गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये चैप्टर है चतुर मक्खी, तो हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने ये कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाक्य सही वाक्य टिक करो कर लिया है, नेक्स्ट पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसका एक पार्ट रह गया है, वो है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम प्रश्नों के उत्तर मैंने इस पर लिखे हैं, हम इसे पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मतलब प्रश्न लिखेंगे आप, इस पर लिखेंगे हिंदी रीडर पार्ट 2। अगर आपके पास रफ कॉपी है तो उसमें करेंगे, और उस पर हिंदी रीडर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास दो बुक्स हैं, हिंदी ग्रामर भी है, इसलिए आप इसके बाद हिंदी रीडर मेंशन करेंगे। पार्ट 2 लिखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। प्रश्न 1, सभी जानवर हाथी से क्यों परेशान थे? क्योंकि जंगल में सभी जानवर परेशान थे हाथी से, तो वो बताना है क्यों परेशान थे। उत्तर, क्योंकि सब हाथी बहुत दुष्ट था और सभी को सताता था। तो आप यही लिखेंगे, क्योंकि जो हाथी था वो बहुत ज़्यादा दुष्ट था और वो सभी को बहुत तंग करता था। आपका यही आंसर लिखना है, दुष्ट मतलब तंग करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, हाथी को सबक सिखाने की बात किसने कही? तो मक्खी ने कही थी, तो हम लिखेंगे हाथी को सबक सिखाने की बात मक्खी ने कही। प्रश्न नंबर 3, मक्खी ने जंगल छोड़कर चले जाने की बात क्यों कही? यदि वह हाथी को सबक नहीं सिखा पाई तो जंगल छोड़कर चली जाएगी। उसने ये कहा था ना कि अगर हाथी को सबक नहीं सिखाया तो वो जंगल छोड़ देगी, तो यही से लिखा है, यदि वह हाथी को सबक नहीं सिखा पाई तो जंगल छोड़कर चली जाएगी। प्रश्न नंबर फोर, मक्खी ने हाथी को कैसे सबक सिखाया? मक्खी हाथी के कान में घुस गई और भिन भिन करने लगी। तो हम यही आंसर लिखेंगे, इसके आगे हम आंसर नहीं लिखेंगे कि उसने क्या क्या किया, हम मेन लिखेंगे मक्खी हाथी के कान में घुस गई और भिन भिन करने लगी। प्रश्न नंबर 5 और लास्ट, अंत में मक्खी ने हाथी से क्या कहा? जब कहानी ख़त्म हो गई थी तो कुछ तो कहा था, तो वो लिखना है, मक्खी ने कहा हाथी दादा आज के बाद आप किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। बस यही कहा था ना, तो ये लिखेंगे मक्खी ने कहा हाथी दादा आज के बाद आप किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तो आज आप इसके अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, और इसे रफ कॉपी में, या अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो फेयर में, नहीं तो आप रफ कॉपी में से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।